इधर जब पूरा देश मना रहा कृष्ण जन्माष्टमी, उधर आगरा से गरजे योगी आदित्यनाथ। कट्टर पंथियों को याद आ गई नानी, पीएम मोदी भी रह गए सुनकर हैरान। अचानक भावुक हुए बुलडोजर बाबा, बांग्लादेश का नाम लेकर देश के सभी हिंदुओं को दे दी चेतावनी। योगी की दहाड़ सुनकर कांप उठा पूरा विपक्ष। पूरा देश मना रहा था कृष्ण जन्माष्टमी, प्रधानमंत्री मोदी कोर्ट में खड़े होकर दे रहे थे बयान। इधर योगी ने गरजते हुए कर दिया ऐसा ऐलान, मच गया बवाल। अखिलेश यादव भी रह गए हैरान। राहुल गांधी को उड़ गई नींद, सोनिया गांधी का हाई हो गया ब्लड प्रेशर। कट्टर पंथियों को दिन में आने लगे योगी के सपने। योगी का यह बयान सुनकर असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। लेकिन जब योगी ने भावुक होकर एकजुट होने के लिए कहा, तो पूरा देश बार बार इस वीडियो को सुन रहा है और देख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे बांग्लादेश में हुआ। इतना बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ ने क्यों दिया है और मोदी योगी की क्या तैयारी है, उसके बारे में जानकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के कट्टरपंथी कांपने लगे। पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मोदी ने कोर्ट पहुंचकर क्या कुछ कहा। ये तस्वीर जोधपुर हाई कोर्ट की है, जहां पीएम मोदी 75 साल होने पर प्लेटिनियम जुबली समारोह में शामिल होने पहुंचे। यहां पर मोदी ने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जो कोर्ट का नाम सुनकर भी डर जाते हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की 500 रियासतों को एक सूत में पिरोकर देश को एक करने का काम किया। लेकिन आज न्याय व्यवस्था इतना जटिल है कि लोग कोर्ट का नाम सुनकर भी डरते हैं। इसे सरल बनाना चाहिए ताकि हर गरीब और मजबूर को भी आसानी से न्याय मिल पाए। पीएम मोदी ने कहा, हमारे यहाँ कोर्ट के आगे चक्कर लगाना शब्द मंडेटरी हो गया है। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे पता नहीं। आज उस चक्कर शब्द को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके लिए लगातार हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था में रिफॉर्म करना है। उधर जब मोदी जोधपुर हाईकोर्ट में बयान दे रहे थे, इधर योगी आदित्यनाथ ने आगरा से एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरा विपक्ष बौखला गया और कट्टर पंथी कांप उठे। आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि यहां बांग्लादेश वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र तब सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुगल बादशाह दुष्ट औरंगजेब भी इसी आगरा से था, लेकिन इसी आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी और उससे कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, लेकिन हिंदुस्तान पर तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने सभी हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा है। हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन बवाल तो मचना ही था। अखिलेश यादव इस बयान को सुनकर भड़क गए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि योगी को दिल्ली में मोदी शाह समझाएंगे। ये हाल सिर्फ अखिलेश यादव का नहीं है, बल्कि राहुल गांधी से लेकर पूरे इंडिया गठबंधन का है। पिछले हफ्ते भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बहुत जल्दी पाकिस्तान मिट जाएगा और भारत में उसका विलय हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की तस्वीरें हर किसी ने देखी, लेकिन जो सेक्युलर हमास और फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा रहे थे, वो बांग्लादेश पर आंखें बंद करके बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष के नेता और खुद को सेक्युलर कहने वाले लोगों पर हमला किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फिलिस्तीन पर रोने वाले आज बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप है। विपक्ष का कोई भी नेता बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम पर कोई हमला होता तो अब तक देश में आंदोलन होने लगते। कट्टरपंथी योगी आदित्यनाथ से इस वजह से भी कांपते हैं कि अगर मोदी के बाद योगी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होने वाला है, क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में शामिल हो जाएंगे। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटा दूंगा, तब कांग्रेस और विपक्ष मजाक उड़ाता था, लेकिन मोदी ने ये करके दिखा दिया। अब योगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के भारत में विलय की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर योगी आदित्यनाथ पीएम बन गए तो क्या पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा। योगी ने एकजुट होने के लिए जो बयान दिया है उसे लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।